राइट नाउ अभी सुबह के 2 बज रहे हैं एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है। पूरी बॉडी शिवर कर रही है एंड आई डोंट नो सुबह मैं ट्रैवलिंग कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे स्वेटिंग आए। स्वेटिंग आने से क्या बुखार जो है वो जल्दी उतर जाता है। क्या जो भी हो जैसा भी हो मैं सुबह अपडेट करता हूँ। सो गुड नाइट। तो वेलकम टू द क्रेजी ट्रैवलर्स एवरीवन, होप यू आर एब्सोल्युटली फिट। तो अभी ताज़ा अपडेट ये है कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी बहुत ठीक है लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है। फीवर उतर चुका है बट फिर भी थोड़ी सी कमजोरी है। तो आज 4 जगह कवर करना था मुझे, सीमांचलम, फिर INS खुरसुरा, डॉल्फिन नोज एंड फिशिंग हार्बर। फिशिंग हार्बर तो मैं नहीं जाने वाला आज क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा स्मेल आती है, उस स्मेल से मेरी तबीयत खराब होने वाली है। और डॉल्फिन नोज बहुत दूर है तो उसको मैं RKB से ही देख लूंगा, उसी में खुश हूं मैं। सो आज सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर करेंगे जो है INS कुरसुरा और सीमांचलम। तो चूंकि आज पॉइंट्स थोड़े कम हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि ब्लॉग थोड़ा सा लेंदी करूं, इसलिए मैं इधर उधर की बात ज्यादा करने वाला हूं। तो प्लीज झेल लेना मुझे, लेकिन वीडियो पूरा देखना, बोल दे रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे बहुत जम के भूख लग रही है एंड अभी मैं स्विगी से ऑर्डर किया है मैसूर वड़ा और उत्तपम। पता नहीं कहाँ सीमांचलम से आ रहा है बंदा यार, सिर्फ 60 रुपये का पैकेज डिलीवर करने के लिए। हैट्स ऑफ स्विगी, हैट्स ऑफ। ओ भाई साहब, आ गया हमारा मैसूर वड़ा और उत्तपम, अब इसको खाएंगे हम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बाय द वे, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है पानी के लिए। एक टाइम था जब ये वाली शर्ट मुझे बहुत ज्यादा टाइट होती थी एंड अब देखो कितनी ढीली हो गई है। अरे खुल जा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे कहीं पे। तो सीमांचलम यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है एंड मुझे करीब आधा घंटा तो लग ही जाएगा। एक काम करो, ये वाला म्यूजिक सुनो, वन ऑफ माय फेवरेट है। I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. Out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I missed a treat. Well, the taste is bitter. Oh, go on, chewing my bones out when he's done is spitting me out. I just can't. I know what he's thinking, but I don't have a clue. True talent in avoiding conversation, yeah, it's almost rather cruel. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I missed a treat. Well, the taste is bitter. So मैं अभी पहुंच चुका हूँ सीमांचलम। जो टेम्पल है मेन वो ये पीछे है मेरे। अंदर में कोई भी कैमरा या एक्शन कैमरा अलाउ नहीं है, बस मैं बाहर बाहर सबको दिखाऊंगा तो आप देख लो। तो मैं अंदर जाके तब तक मैं प्रसाद वगैरह लेके आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो सीमांचलम टेम्पल आंध्र प्रदेश के उन 32 नरसिम्हा टेम्पलों में से एक है जहाँ पे वरा नरसिम्हा जी की पूजा की जाती है, जो कि एक अवतार है भगवान विष्णु जी के। क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश के जो टेम्पल है उनमें सबसे ज़्यादा जो दान और चढ़ावा दिया जाता है उसमें पहले नंबर पे आता है तिरुमला तिरुपति एंड सेकंड नंबर पे आता है ये सीमांचलम टेम्पल। सो मैं आ गया दर्शन करके
तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा अंदर का आपको क्या क्या मिलेगा। तो अंदर पहले दो लाइन मिलेंगे, एक फ्री लाइन है और दूसरा है पैसे वाला लाइन। फ्री लाइन में आपको एक घंटे से ज़्यादा का टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन रहती है। एंड पैसे वाले लाइन में आपको 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। उसके अंदर जाने के बाद भगवान नरसिम्हा जी हैं उनके आप दर्शन करिए। एंड यकीन मानो आपको इतने मन में शांति मिलेगी वो दर्शन करके आपको बता नहीं सकता। एंड उसके बाद फिर प्रसाद का ऐसा है कि 50 रुपीज़ का मैंने जो लड्डू प्रसाद होता है वो मैंने लिया है। तो 5 लड्डू मिले हैं 50 रुपीज़ के लिए। मैं अभी लेके जाने वाला हूँ एंड अपने फ्रेंड लोग में भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, अपने लिए भी रखूँगा। तो मैं अभी होटल रूम में हूँ, तो अभी बस एडिटिंग कंप्लीट किया हूँ। मतलब जो सीमांचलम टेम्पल का जो भी एडिटिंग था वो तो कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन अभी INS कुरसुरा भी बचा हुआ है। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:00, तो चलो यार देखने चलते हैं। अब डायरेक्ट मिलता हूँ INS कुरसुरा के पास। तो मैं पहुँच गया हूँ, ये रहा INS कुरसुरा। तो मैंने यहाँ पे किसी से पूछा कि यहाँ मेरी जो एक्टिवा है ये इसको कहाँ पार्क करूँ, तो किसी ने बोला कि यहीं पे पार्क कर दो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। वरना चलो यार भगवान भरोसे है, बस कोई पुलिस उठा के ना लेके चले यार। तो चलो अब बात करते हैं अब ये सबमरीन INS कुरसुरा के बारे में। तो इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया था 18 दिसंबर 1969 में। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस समय INS कुरसुरा समंदर में रह के पेट्रोलिंग करके हमारे देश की रक्षा कर रहा था। 27 फरवरी 2001 में इसको फिर डिकमीशन किया गया एंड इसको ऐसे सबमरीन म्यूजियम के तौर पे इसको खोला गया। इट्स गुड टू नो स्टफ कि ये एशिया का सबसे पहला सबमरीन म्यूजियम बना और पूरे वर्ल्ड का दूसरा। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको मैं यहाँ से डॉल्फिन नोज दिखाऊंगा, ये रहा आर्की बीच एंड वो रहा डॉल्फिन नोज। सॉरी वही रियलमी 3 प्रो है मेरे पास, डॉल्फिन के नोज के जैसा ही लगता है वो। एंड वो एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से पूरा ओशन का व्यू आपको देखने को मिलेगा। क्या व्यू है, ऑसम व्यू। So, I am going inside INS Kursura. The Southeast Asia mein number 1 submarine museum. The green color se na isko torpedoes kehte hain, underwater bombs. Isse wala 22 leke chalte hain, compartment mein 18, last compartment mein 4, dono taraf se hamla kar sakte hain. Agar ek red and white wala ko dekh liye, isko sea mine kehte hain. Abhi zameen ko upar blast karne ke liye mines aate hain na, pani ke andar blast karne. ये सबमरीन 280 मीटर पानी का नीचे से चलते हैं। 1971 में पाकिस्तान का साथ युद्ध में गया, हम जीत के आए अपना पास और 16 सबमरीन, 8 मुंबई में, 8 विशाखापट्टनम इन वर्किंग कंडीशन। सो दिस इज वाज यूज्ड टू बी ए वॉश बेसिन, यू कैन सी वॉश स्पेस, इट इज सो स्मॉल। एंड हियर एक्चुअली इट्स अ बेड फॉर द कैप्टन, कैप्टन बुक शेल्फ, पिस्तौल लॉकर, दिस इज यूज्ड टू बी द डाइनिंग रूम। नीचे खाने पीने का चीज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज रहता है। अब पूरे पांड भी इस भाग से कंट्रोल होता रहता है बाय ऑर्डर, इस भाग को कंट्रोल रूम कहते हैं। Lipstick takes my breath and love me like you love a pack of smokes in the moon. One for the pain, no hesitation, dark as I can, nothing can save us, yeah. I just wanna be around you, I just wanna be. तो दैट्स इट फॉर INS कुरसुरा। एंड वहाँ पे मैंने अभी टाइम लैप्स लगाया हुआ है, वो रहा मेरा कैमरा। रेडी 1 2 3। एंड INS कुरसुरा के सामने ही है ये एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम,
सो आप इसको जरूर देखना, इट इज सो वंडरफुल। इसका टिकट है करीब 70 rupees फॉर द एडल्ट एंड 40 rupees फॉर द चिल्ड्रन। सो दिस इज ए एयरक्राफ्ट म्यूजियम। ये है आंद्रे ट्यूपोलेव, तो जेट फाइटर प्लेन्स के जो नाम है इनके नाम से रखा गया है। एंड दिस इज ए कॉकपिट ऑफ ए फायर फाइटर प्लेन, ग्रेट ना। एंड दिस आर द यूनिफॉर्म्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एक्चुअली जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो सबमरीन्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ओशन में फेंकते हैं। एंड ये सोनोबॉय दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नीचे वाला पार्ट है वो पता लगाता है कि यहाँ पे कोई सबमरीन है या नहीं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ट्रांसमीटर का काम करता है, वो खबर करता है फिर पायलट को जो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए रहते हैं। ये है प्लेन का इंजन, हालांकि डेमो है बट फिर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका वेट अप्रॉक्स 3,700 kilo है। And I guess this is a parachute. Plane से जब अटैक होता है तो उसके जो साउंड है वो चीज़ यहाँ पे बता रही है। क्या आपको पता है परमवीर चक्र किसने डिजाइन किया था? वो इन्होंने किया था, जिनका नाम है सावित्री कनोलकर। And these are the awards they got. I'm going to the aircraft, real aircraft. इतना का डेमो है नहीं, ओरिजिनल है ये। एयरक्राफ्ट के अंदर में कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। एयर गेम्स के बारे में सारे आपको पूरा इन डिटेल्स मिलेगा। ओके, जो एयरक्राफ्ट म्यूजियम है उसी के पास ही है। सो गिव इट ए वर्थ विजिट हियर। नो वर्चुअल रियलिटी, दिस इज आल्सो ऑनलाइन वीआर। एयरक्राफ्ट वाली फीलिंग है, विजुअली एक्सपीरियंस आप कर सकते हो इफ यू आर मींस यूजिंग दिस राइट। इट्स अ कार्ड रेस, दिस इज लाइक इट्स अ हाइड्रोलिक वन। रियल फ्लाइट में क्या होता है आपको वो एक्सपीरियंस करना है तो यू जस्ट नीड टू ट्राई दैट। अगर आपको एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ वाली फीलिंग करनी है तो आपको ये वाला गेम ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो मैं चला 720 को ट्राई करने के लिए। वेल, अच्छा ही हुआ कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि दुश्मनों के प्लेन का तो पता नहीं, बट हाँ अपने प्लेन का ज़रूर क्रैश लैंडिंग करवा दिया होगा। एनीवेज, सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन ब्लू करके जाना, एंड ऑल्सो दूसरों को भी शेयर करो और 4-5 सब्सक्राइबर तो बर्बाद हो। Thanks for watching this video and keep traveling.